शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल में। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए ले चलते हैं सीतापुर में और देखते हैं पुनीत यादव की यह बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मानो खत्म सा हो गया है पुलिस का खौफ। बेखौफ दबंगों द्वारा सताए जा रहे बेगुनाह लोग, पैसे लेकर जा रहे युवक का कार से किया अपहरण। अपहरण के बाद विरोध करने पर पीड़ित को बाग में ले जाकर बेरहमी से पीटा। पीड़ित के परिवार वालों से मांगी फिरौती, फिरौती देने पर युवक को छोड़ दिया गया। परिजनों ने पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज कराने का आरोप भी लगाया है। इनको बुलाया और बुलाने के बाद जो भाई वो जो रोड टैक्स है उससे पहले रास्ता गया खैरावत के नीचे थे कालूरी से पहले, वहाँ पर हमको पकड़ लिया, गाड़ी छीन ली और गाड़ी के अंदर बैठा लिए और 6 तमंचे लगा दिए, उठा के गाड़ी में डाल लिए। दो को जानते हैं बाकी और बाकी नहीं जानते हैं, दो आदमियों को जानते हैं। क्या बोले? वो के बोले लाद ले गए और बगिया में बंद बाहर उनको डाल दिया 6 फुट गहरी के अंदर। जितना रुपया था वो सब ले लिया 1,60,000 और फोन पर छीन लिया हमारा, बंद कर दिया मोबाइल और मारते रहे, बहुत मारा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तब फोन दिया कि मंगाइए रुपये, तब 80,000 रुपये मंगाया, तब हमको छोड़ा गया। यानी आपसे 80,000 रुपये वो लोग बंधक बना के कहाँ रखे थे? बगिया ये कॉलोनी आवासी दस कॉलोनी इसके सामने है, बगिया है, बगिया है, बगिया के बगिया में। हाँ उसमें गाड़ी के वो मारा, मार के फिर गाड़ी में बैठा लिए, 60 रुपये ले, फिर फोन कराया, तब 80,000 रुपये भाई लेके मारा गया, तब हमको छोड़ा गया 8:30 बजे रात को। आपने FIR की? FIR कर दी खैराबाद। तो क्या फिरौती रकम हमने पहले दी तब हम छोड़े गए, तब उसके बाद FIR क्या लिखा गया? वहाँ तो मुकदमा लिख दिया। अभी तक कोई कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा? हाँ करी गई, छापे पड़ रहे हैं उनके, वहाँ पुलिस चले जा रहे हैं उनके, वहाँ वो मिल नहीं रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। अपहरण का शिकायत क्या मामला? खैराबाद में 24 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें धारा 307, 308, 325, 323, 504, 506 और 427 IPC की दर्ज की गई है। प्रकरण ये है कि साबिर नाम का और वजी अहमद वजी दो वहाँ के रहने वाले हैं, इनका काफ़ी पैसा लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए रिजवान के पास था। पैसा इनके द्वारा मांगे जाने पर साबिर रिजवान जो है पैसा नहीं दे रहा था। 24 तारीख को इन दोनों लोगों ने रिजवान को खैराबाद में ही बुलाया और इनके साथ मारपीट की काफ़ी कुछ, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इस संबंध में इनकी तहरीर पर थाना खैराबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना की।